हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज, एंड आप देख रहे हैं MG एडिट जोन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो गाइस, जैसे देख सकते हैं, जो हमारी फोटो का बैकग्राउंड है इसका, ये वो बिल्कुल इसका ही टोन लग रही है एंड परफेक्ट लग रही है। ठीक है, तो आप भी अपनी फोटो में कुछ इस टाइप से परफेक्ट रूप से इसका ही टोन दे सकते हैं। तो गाइस, मैं आज कुछ ऐसा ट्रिक एंड स्टेप बताऊँगा जिसे आप फॉलो करके आप भी अपनी फोटो में परफेक्ट रूप से इसका ही टोन दे सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, काहे कि मैंने पूरी डिटेल से बताऊंगा किस टाइप से करना है क्या क्या, ताकि आप न्यू है चाहे पुराना है आसानी से समझ पाएं और स्टेप को फॉलो करके आप भी अपनी फोटो को कुछ इस टाइप से एडिट कर पाएं। तो गाइस, आज का एडिट कुछ न्यू है और हट के भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपकी लो क्वालिटी की फोटो को आप फुल HD क्वालिटी में कैसे एडिट करेंगे, चाहे फुल HD क्वालिटी कैसे देंगे। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी से आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाला फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस, यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को कर देंगे हम +30 एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -10 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +26 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे और यहाँ क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए हम सेकंड वाले ऑरेंज कलर पे जाएंगे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो नेचुरल लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -10 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -20 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +20 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी हम -Q लेके जाएंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को हम पूरा पूरी -100 नहीं रखेंगे, इसे रखते हैं हम -90 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -32 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू को कर देंगे -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी कर देंगे -100 एंड यहाँ से इसकी भी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -30 एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देना है थोड़ा सा माइनस। ठीक है, तो इसे रखना है -35 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो गाइस, इसे रखेंगे हम +22 एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम -Q लेके जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं जब इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं चाहे डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो हमारी फोटो का बैकग्राउंड है उसमें कोई भी टोन इफेक्ट नहीं दिख रही है। ठीक है, लेकिन टेंशन लेने का नहीं, आपको इतना प्रोसेस करनी है, आगे जाके कैसे ब्लू टोन देनी है वो चीज़ बताऊँगा। ठीक है, इसलिए इतना सा स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ से हम फाइनली ब्लू टोन की ह्यू की वैल्यू को हम -Q लेके जाएंगे। तो इसे हम रखेंगे -68 एंड यहाँ से सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम +100 एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -10 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड इतना करने के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे मास्किंग टूल पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ब्लू प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम कलर रेंज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए फोटो पे सर्कल आइकन पे पॉपअप होते हुए कुछ आइकन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पर अपने फिंगर को टैप करनी है और यहाँ से जिस भी एरिया में इसका इफेक्ट चाहे जिस भी एरिया का कलर चेंज करनी है, इसकी जो फोकस पॉइंट है उसे हम स्लाइड करके वहाँ पे रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और इसे मैं अपने फिंगर की सहायता से स्लाइड करता हूँ। ठीक है, तो मैं स्काई को सिलेक्ट करूँगा
एंड इतना करने के बाद राइट साइड में देखिए अप्लाई का ऑप्शन है, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड फाइनली हमें जो इस पर सिलेक्टिव एरिया पे जो भी कलर चेंज करना है उसकी जो ऑप्शन है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ से जाएंगे हम कलर के ऑप्शन पे, इस वाला ऑप्शन पे, एंड यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए कलर का ऑप्शन है, ठीक है, एंड यहाँ पर दिया हुआ है ह्यू एंड सेचुरेशन। तो क्या करेंगे, यहाँ अपनी फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को हम मिलाएंगे, तो देख सकते हैं जो भी हमारा सिलेक्टिव एरिया है उसका कलर चेंज हो रही है, ठीक है। तो कोशिश करनी है एग्जैक्ट स्काई कलर में, तो मैं कोशिश करता हूँ। सो गाइस इतना मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो इसका ही है 208 एंड सेचुरेशन है 100 एंड ऊपर भी कुछ मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसे करते हैं -50 एंड टिंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसे रखते हैं +20 एंड यहाँ से सेचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -50 एंड यहाँ से टिक पे क्लिक करके कर देंगे डन। एंड इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, हमारी जो फोड़े है उसकी लाइटिंग को हम परफेक्ट रूप से एडजस्ट करेंगे। तो गाइस लाइटिंग बहुत मायने रखती है हमारी फोटो के लुक को, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बेटर जितना बेटर हो हमारी फोटो की लुक लगे, तो इसके लिए हम परफेक्ट रूप से लाइट को एडजस्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे लाइट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस एक्सपोजर की वैल्यू को अपने फोटो की लाइटिंग के हिसाब से एडजस्ट करनी है। तो यहाँ मैं रखता हूँ -0.45 एंड यहाँ कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसे हम रखेंगे +5 एंड यहाँ से हाइलाइट्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, तो इसे हम रखेंगे -10 एंड यहाँ से शैडोज की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसे रखते हैं 10 एंड यहाँ से ब्लैक्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -10 एंड नेक्स्ट जाएंगे हम इफेक्ट ऑप्शन पे एंड इस पर क्लिक करेंगे। अब इससे देखिए हम अपनी फोटो को लो क्वालिटी है उसको परफेक्ट क्वालिटी चाहे स्मूथ हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन कम वैल्यू को मैं एडजस्ट करूँगा, ठीक है। उसी टाइप से अपनी फोटो में ये ऑप्शन को एडजस्ट करनी है, जैसे मैं यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जब इसकी वैल्यू को हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो हो सकती है आपकी फ़ोटो में थोड़ा डार्कनेस आ जाए या फोटो फट जाए, ठीक है। तो फोटो फटेगी उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आगे हम इस फोटो को सही कर लेंगे। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लैरिटी की वैल्यू को 50, ठीक है, एंड यहाँ से टेक्सचर की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे, जिससे जो हमारी फोटो है वो फटेगी नहीं, स्मूथ रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को कर देते हैं -38 एंड यहाँ से DH की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो DH की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +10 एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो विनेट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाते हैं, तो इसे रखते हैं -40 एंड यहाँ से मीट फॉन्ट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। तो गाइस मीट फॉन्ट की वैल्यू को अपने फोटो के और सब्जेक्ट के हिसाब से इसकी साइज को एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो जो मेरे फोटो का मॉडल है उसके हिसाब से इसे एडजस्ट करता हूँ, तो मैं मीट पॉइंट की वैल्यू को 45 रखता हूँ, ठीक है। अपनी फोटो के साइज के अनुसार आप इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो फेदर की वैल्यू को यहाँ से कर देते हैं +74 एंड यहाँ से राउंडनेस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो राउंडनेस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +40 एंड इतना करने के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसे थोड़ा शाइनिंग है, ठीक है। तो इसे रखते हैं +16 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, बिल्कुल स्मूथ लगे, ठीक है। तो इसे रखते हैं 14 एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन एंड यहाँ से इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जो हमारी जो भी कलर से रिलेटेड एरिया है वो भी परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे, ठीक है। तो इसे रखते हैं हम 10। सो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर ऐसी। सो गाइस आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। तो ये हमारी फ़ोटो की जो ओरिजिनल क्वालिटी थी कुछ इस टाइप से, ठीक है, एंड बाद में जो इसकी क्वालिटी है कुछ अलग टाइप से फुल HD लग रही है, ठीक है। तो गैस कुछ इस टाइप से ऑप्शन का यूज करके आप भी लो क्वालिटी का फ़ोटो में कुछ इस टाइप से हाई क्वालिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो गैस आई होप यू आप लोग को
अच्छा लगा होगा। तो अगर गाइस ये एडिटिंग आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को शेयर करना। तो गाइस इस वीडियो को हमें सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर सेव टू डिवाइस लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।